अपना चैनल और आज की वीडियो में मैं बनाऊंगी गोलगप्पे। तो गोलगप्पे मैं जरूर डालूंगी कैसे बनाते हैं, पर अभी के लिए मैं यूज कर रही हूँ पैकेट वाले गोलगप्पे। और मैं आज पानी बनाना आपको सिखाऊंगी और बूंदी बनाना। तो हम शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दें, थैंक अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए एंड लेट्स गो टू द वीडियो। ओके, नाउ वी वांट फॉर दिस होल प्रोसेस वी जस्ट वांट सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट इज गुड़ फॉर मीठापन। एंड आई हैव यूज्ड ब्लैक सॉल्ट एंड सिंपल सॉल्ट। मेजरमेंट आई विल टेल यू। देन इधर मैंने लिया है इमली का पेस्ट, ये बाजार का आता है। अगेन ब्लैक पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेमन, ये मैंने तेल लिया है इधर। फिर हमने ये लिया है बॉइल्ड आलू छोटे छोटे वाले। इधर मैंने ये दो ली है मेजरमेंट्स के लिए। इधर मैंने एक अमचूर ले लिया और अदरक आधा कटा हुआ, मिर्च दो कटी, ये मैंने ले लिया। वी हैव दिस मिंट जो हम डाल देंगे मेजर करके। तो मुझे मेजर पता है तो आप यूज करो। अब हमने आप देख सकते हैं मैंने बेसन ले लिया है। बेसन की क्वांटिटी मैं आपको दिखा दूं, तो बेसन की क्वांटिटी इतनी होगी। इसकी ऐसी नहीं होनी चाहिए क्वांटिटी, ये छोटा छोटा लेना चाहिए बूंदी के लिए। इसमें अभी कुछ कुछ गुठलियां है, देखिए आप देख सकते हैं अगर। तो इसको हम थोड़ा सा पानी और डालते हैं। इसका मेजर पानी का आएगा मुझे नेक्स्ट, क्योंकि अगर आप ज्यादा डालेंगे तो ज्यादा मेजर लगेगा और अगर कम डालेंगे तो कम मेजर। अब हम इसमें एक टेबलस्पून ऑफ तेल डाल देंगे। तेल से क्रंची बनती है। अब हमें करना है जो हमारे आलू है ना, तो जो हमारे आलू हैं उन आलू को हमें स्क्वायर पीसेस में काटना। कुछ लोग क्या करते हैं कि उन्हें पीस देते हैं, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं इसलिए इसके स्क्वायर पीसेस काटूंगी। हमने ये भी कर दिया। तो हम चलते हैं हमारा स्टेज नेम ऑफ ग्रिल। तो हम अब इसमें हम मिंट लीफ डाल देंगे। तो मिंट लीफ से काला हो जाता है बट इट्स ओके, क्या हो रहा है स्वाद नहीं आएगा ना। फिर हमने तो मिंट लीफ डाल दिया। इधर हमने कोरिएंडर डाल दिया, कोरिएंडर भी डाल दिया। मिर्च डाल देंगे अपनी जो हमने काट रखी थी, और हमने अदरक ये हमने डाल दिया। तब हमें इसमें डालना है ब्लैक सॉल्ट एक आइस की आधी चम्मच, ठीक है। फिर सिंपल नमक इससे आधी का आधा। हम इसमें नींबू भी पलट देंगे, जीरा डाल देंगे जीरा आधी चम्मच। इसमें हम थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी डाल देंगे और इसमें हम डाल देंगे गुड़, गुड़ थोड़ा सा डालेंगे। अब बस अब हमें इसमें थोड़ा सा पानी चाहिए, पानी डालना है बस, जैसे थोड़ा सा हो जाए। इधर हमारी चटनी हो गई है, तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देखना चाहेंगे, ठीक है। और इसमें पानी डालेंगे थोड़ा सा, जैसे इसमें पानी डाल देंगे, पानी डाल देंगे, छन्ना लेना है और इसको डाल देना है। तो अब हम इसका वो तो निकल गया है ना, तो हमें लेके इसको प्रेस कर देंगे, ठीक है, जिससे पूरा मतलब हमारा साफ बिल्कुल सही पानी निकल गया। तो हम इसको अपना टर्मरिक, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको छान लेना है, उसमें आपको डाल देना है ये हमारा टर्मरिक पानी, आधा कप नमक, ब्लैक पेपर, मिर्च, लाल मिर्च, थोड़ा सा जीरा। जीरा टेस्टी होता है, इसमें डाल इसको हम मिक्स कर देंगे। और अगर आपके पास थोड़ी सी मिंट मूंग बची है उसको हम पूरा से चूरा चूरा करके डाल देंगे, ठीक है। चीनी भी डालो हो सकती है, तो हम इसमें चीनी डाल देंगे। और
ठीक है तो कुछ नहीं बनेगा। तो जब ये ऐसे लेते हैं और डालते हैं खट्टी वाली धुल जाएगी बस, और एक मिर्ची डाल बन गया। तो इधर हम देखते हैं मतलब इधर हमारा दो चम्मच डाल, ये बन गया हमारा आलू का तैयार हो गया। जल्दी देखो ये थोड़ा अलग होगा, दबा फिर मैं देखता हूं। ठीक है ये देखिए हमारी पूरी खीर क्या हो गया। अब हम एक बनाते हैं और इसमें हम डालेंगे अपना ये वाला जो दोनों उत्तम है। तो बिल्कुल स्ट्रीट है, जरूर ट्राई कर दिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।